हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू टीच ए न्यू चैप्टर इन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 5 एंड दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स। ए न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दी फोर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दी फोर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस दैट आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इन चारों बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में मैं अपने पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। अब यहां पर उनको अलग अलग बताने नहीं जा रहा हूं, सीधे मैं आऊंगा चैप्टर पर और जो क्वेश्चंस होंगे उनके सॉल्यूशंस पर। एक बार मैं ब्रीफ में आपको बता दे रहा हूं कि एडिशन में जितने भी नंबर्स भाग लेते हैं, जितने भी नंबर्स एडिशन में आते हैं, उनको हम एडेंड्स कहते हैं। जैसे यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ है, आपको ये सब चीज अपने दिमाग में रखनी चाहिए जी। दी नंबर्स टू बी एडेड आर कॉल्ड एडेंड्स। इन एडिशन प्रोसेस जितने भी नंबर्स ऐड किए जाते हैं, जैसे यहां पर मान लीजिए 1, 2, 3, 4 नंबर ऐड किए गए हैं या 5 नंबर ऐड किए जाते हैं, वे सारे एडेंड्स कहलाते हैं। अगर अकेले की बात करें तो एडेंड कहा जाएगा, और बहुत सारे हैं तो उसका प्लुरल एडेंड्स कहलाएगा। द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज कॉल्ड द सम। किसी एडिशन का आंसर जो आपका आता है, जो उसका रिजल्ट आता है, उसको सम कहा जाता है। ये आपको पढ़ाया जा चुका है, एक बार फिर आप इसको देख लेंगे, याद कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन में योर नेक्स्ट बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बारे में भी आपको पढ़ाया जा चुका है। द लार्ज नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर इज कॉल्ड मिनुएंड। सब्ट्रैक्शन में एक बड़ा नंबर होता है जिसमें से छोटे वाले नंबर को घटाया जाता है। दो नंबर्स होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो बड़ा नंबर में से छोटे नंबर को घटाया जाता है, तो द लार्जर नंबर इज कॉल्ड मिनुएंड। बड़े वाले नंबर को हम मिनुएंड कहते हैं। द स्मॉलर नंबर इज कॉल्ड सब्ट्राहेंड। छोटे वाले नंबर को हम सब्ट्राहेंड कहते हैं। एंड द रिजल्ट ऑफ द सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस। और सब्ट्रैक्शन के आंसर को हम डिफरेंस कहते हैं। यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें रहेगा फाइंड द डिफरेंस, तो आपको समझना होगा कि वो सब्ट्रैक्शन है। डिफरेंस हम बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटाकर ही डिफरेंस प्राप्त करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में फाइंड द डिफरेंस रहे, आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। जब भी क्वेश्चन में फाइंड द सम रहे, आप ऐड कीजिएगा। तो अब यहां से शुरू होता है एक्सरसाइज 5A। अब एक्सरसाइज 5A में ऐड है, आपको ऐड बताया जा चुका है, आप जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में सब्ट्रैक्शन है, आप जानते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैं वहां से शुरू करता हूं जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, जो आपके लिए थोड़े टफ हैं, मैं वैसे क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। जैसे आइए क्वेश्चन नंबर 6 पहले लिख देते हैं। एक्सरसाइज 5A, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? व्हाट शुड बी एडेड टू 2,54,698 टू गेट 62,12,541। क्वेश्चन का मतलब है कि वो कौन सा नंबर है, ये एक नंबर आपसे पूछ रहा है, वो कौन सा नंबर है जो 2,54,698 में ऐड कीजिएगा तो
तो आपका रिजल्ट आएगा 62,12,541। यानी कि दूसरे तरीके से अगर आपको समझाया जाए तो दो नंबर को ऐड करने पर ये रिजल्ट आया है, ये है आपका सम, और दो नंबर में से एक नंबर ये है, दूसरा नंबर आपको प्राप्त करना है। तो क्वेश्चन जिस स्टाइल में रहता है हम उसी स्टाइल में उसी वे में हम उसको बनाते हैं। यहां पर हमसे पूछ रहा है व्हाट शुड बी एडेड, तो हम यही समझते हैं कि हमसे एक नंबर पूछ रहा है जो इसमें ऐड करना है, तो वो नंबर इस सम में से ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर वो पूछ रहा है वो हमको मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और जो नंबर हमको पाना है उसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड नंबर। आपको पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि जो नंबर जो हमको चाहिए उसको हम रिक्वायर्ड कहते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, सीधे हम आते हैं 62,12,541 माइनस 2,54,698। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आंसर आएगा यहीं पर। सब्ट्रैक्ट करके मैं बार बार क्लास में भी बताया हूं कि कहीं दूसरे जगह सब्ट्रैक्ट मत कीजिए, आप यहीं पे जो रफ वाला पोर्शन है उसमें अपना रफ कीजिए, ऐड करना हो सब्ट्रैक्ट करना हो कि टीचर भी देखें कि आपको सब्ट्रैक्शन आता है, आप सब्ट्रैक्ट करके उनको दिखा रहे हैं, इसलिए रफ दूसरी जगह ना करें, जो रफ पोर्शन है उसमें करें। तो चलिए 62,12,541 उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2,54,698। सब्ट्रैक्ट कीजिए, वन में से एट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इससे बोरो लिया जाएगा, 11 में से एट सब्ट्रैक्ट हुआ 3, ये 3 बचा, बोरो जाएगा, 13 में से 9 गया 4, ये 4 है, इसको बोरो मिलेगा, 14 में से 6 गया 8, 11 में से 4 गया 7, 10 में से 5 गया 5, और ये 1 है तो 11 में से 2 गया 9, और ये 5, 59,57,843, 59,57,843, एंड दिस इज द नंबर यू रिक्वायर्ड। जो नंबर आपको निकालना है वो नंबर आपको मिल गया, सम में से फर्स्ट नंबर घटाए सेकंड नंबर आपको मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच इज ग्रेटर द सम ऑफ इतना एंड इतना, एक नंबर ये है एक नंबर ये है, और द डिफरेंस बिटवीन 9,41,20,023 एंड 5,41,17,819 एंड बाई हाउ मच। क्वेश्चन का मतलब है कि कौन बड़ा है, विच इज ग्रेटर, इन दोनों का सम या इन दोनों का डिफरेंस कौन बड़ा है, तो और कितने से बड़ा है। अब इसको पाने के लिए आपको इसको और इसका और इसका सम निकालना पड़ेगा, फिर इसका और इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि कौन बड़ा है कितने से। मैं जल्दी जल्दी बना दे रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन, अब सम निकालना है तो लिखा जाएगा सम ऑफ 2,52,10,232 एंड 2,98,56,000
987। इन दोनों का सम निकालना है तो चलिए इसको ऐड कीजिए, इसको ऊपर लिखिए इस नंबर को, उसके नीचे लिखिए इस नंबर को, ऐड कीजिए 2 और 7 9 3 और 8 11 का 1 कैरी में होगा 1, 2 और 1 3 और 9 12 का 2 कैरी में होगा 1, 6 और 1 7 5 और 1 6, 8 और 2 10 का 0 कैरी में होगा 1, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 2 और 2 4 5, ये आया आपका सम। अब डिफरेंस ऑफ 9,41,20,023 and 5,41,17,899, ये आपका सेकेंड नंबर है। अब डिफरेंस निकालिए, सबट्रैक्ट कीजिए, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इसको ऊपर लिखिए 9,41,20,023 5,41,00,000, दोनों में 41 लाख है, यस 41,17,899। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा 4, 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा 2, और ये 9 में से 8 गया 1, ये 9 में से 7 गया 2, ये 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 5 गया 4। एक बार और घटा कर देख लेते हैं, 13 में से 9 गया 4, 11 में से 9 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस। अब दोनों में कौन बड़ा है, तो ये है 5,50,67,219, ये है 4 करोड़, अब ये करोड़ से ही ये बड़ा है, ये 5 करोड़ है, ये 4 करोड़ है, तो ये बड़ा है। तो पूछ रहा है इसमें विच इज ग्रेटर, तो हम लिखेंगे द सम इज ग्रेटर, एक आंसर ये हो गया, और दूसरा पूछ रहा है बाय हाउ मच, तो द सम इज ग्रेटर बाय इतना, सॉरी यहां पर निकाल कर देखना होगा, ये सम है, ये डिफरेंस है। अब इसमें से इस सम में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5,50,67,219 और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4,00,000,124, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 4 गया 5, 11 में से 2 गया 9, 0, 7 में से 2 गया 5, 6, 0, 5, 1, इतना से बड़ा है। द सम इज ग्रेटर बाई 1,50,65,095। जब कह रहा है कि कितना से बड़ा है, तो हमको सम अगर बड़ा है तो कितना से बड़ा है, तो सम में से डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करके देखना होगा, दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो डिफरेंस है उतना ही से बड़ा है, तो आंसर लिखेंगे द सम इज ग्रेटर बाय इतना। तो ये हुआ आपका, तो
ऐसे ही आपको इसमें के क्वेश्चंस बनाने हैं, जो दो टफ टाइप के क्वेश्चन थे वो बनाकर मैंने आपको दिखा दिया। अब आप इसमें का सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो हमको कॉल करके पूछ लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक्स।